हाय, देखे मेरे साथ कौन आए। मैं सामान गाड़ी में रखता अदनान, क्या मैं माफी के काबिल भी नहीं हूं? नहीं, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत जिन हालात में मुझे तुम्हारी मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं सच तब क्या किया तुमने मेरे साथ? बोलो, क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे माफ कर दो, मैं वाकई बहक गई थी। पैसे और दौलत की लालच में मैं वाकई बहुत खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कोई जरूरत नहीं है मुझ पे तरस खाने की। मेरे इर्द गिर्द और बहुत से लोग हैं जो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा मत कहो अदनान। देखो अदनान, अगर तुम मुझे यहां से माफ किए बगैर चले गए ना, तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया? तुम जानती हो, अगर तुम्हारे प्यार की ताकत मुझे नहीं रोकती तो आज से पापाहिज नहीं होता, मैं मर गया होता। अल्लाह ना करे अदनान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे अपने प्यार पे भरोसा। देखना, तो बिल्कुल ठीक होकर वापस आओगे अदनान, और जब तुम वापस आओगे ना, तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। अदनान, अदनान मुझे माफ कर दो। देखो अदनान, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी।
मैं जानती थी कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा। अच्छा, इंतजार कर रही थी मेरी कॉल का। तुम खुश तो हो ना रामी? अभी तो बाकी जितना तुम ख्याल रखोगे उतना हो जाऊंगी। तुमसे मोहब्बत करता हूँ रामी, और अब तुम्हारी ही खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। बेसब्री से बस अब तुम्हारा इंतजार है। जल्दी से आ जाओ मेरे खाली से फ्लैट में और इसे घर बना दो। इंतजार शर्त है, मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं मिलती। इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर सकता हूँ रामी। अच्छा, सबसे पहले ही सिगरेट पीना बंद कर। इतना कड़ा इम्तिहान? चलो तुम कहती हो तो आज से छोड़ दी। पापा कह रहे थे कि अदनान भाई के आते ही मंगनी और कुछ अरसे के बाद शादी कर लेंगे। आज वो सब लोग अमेरिका जा रहे हैं। जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ कुछ दिन और से। और सुनाओ, निम्रा सब ठीक तो है ना? और तुम लोग वापस कब आ रहे हो? मामा प्लीज जल्दी आ जाएं, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बस आ जाऊंगी, अदनान की एक सर्जरी रह गई है, वो हो जाए तो बस जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ये बताओ कि अदनान की रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मामा आप अदनान भाई को कहें ना कि प्लीज मुझे फोन तो किया करें। कह दूंगी बेटा, वो तुम्हें इसलिए डिस्टर्ब नहीं करता कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई खलल ना आए। बस अल्लाह ताला अदनान को जल्दी से सेहत दे दे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि रामीन और शान के साथ साथ अदनान और सचल की भी शादी करते हैं। कितना अच्छा हो जाएगा ना, एक बेटी घर से जाएगी और दूसरी बेटी घर वापस आएगी। बस तुम दुआ करो फातिमा कि अदनान की सर्जरी खैर से हो जाए। आमीन। पता है रुखसाना बहुत बार आके पूछ चुकी है, लड़की की माँ है ना इसलिए। रुखसाना को तो हर बात की जल्दी रहती है। वैसे मैं ये कह रही थी फातिमा कि तुम रामीन की मंगनी कर दो, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उसकी मंगनी में कोई देर हो जाए। नहीं नहीं निम्रा, जब तुम लोग आ जाओगे ना तो हम सभी चीजें जो है उसी वक्त तय करेंगे। आप लोग बताएं सीमा की तबीयत कैसी है? अब तो कम ही वक्त रह गया ना खुशखबरी सुनाने में। हाँ बस हम लोग भी दिन ही गिन रहे हैं। मेरी दुआएं सलमान और सीमा के साथ है, इंशाल्लाह सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। अच्छा यूसुफ भाई, फातिमा मैंने जरा मार्केट जाना है, फिर मैं बाद में ऑनलाइन होती हूँ। निम्रा अदनान और दानियाल को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना। और मामा प्लीज जल्दी आ जाए, मिसिंग यू अ लॉट। बस कर दो, एक ही बात की रट लगा दी है। आ रही हूँ ना। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उदास हो जाती हो तुम? क्या ही अच्छा हो कि ताया बुगली तुम अच्छी सी चाय बना दो। जी ताया बुग, मैं भी लेकर आती हूँ। जी दिया। वैसे तो तुम ठीक हो ना, और फातिमा वगैरह तुम्हारा ख्याल तो रख रहे हैं ना? अगर नहीं रख रहे तो मुझे बताओ, मैं खुद फातिमा से बात करती हूँ। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब अच्छे हैं, सब बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा आंटी तो हर चीज का ख्याल रखते हैं, और अंकल भी। हाँ हाँ, तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं करेंगे, आखिर उस घर को तुम वारिस दे रही हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। जो वारिस देने वाली बहू होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए कहती हूँ कि अपनी अहमियत को समझा करो। मैं समझती हूँ अम्मी, पर इस कंडीशन में मैं किसी भी नेगेटिव चीज के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। हमें पता है आपको, मुझे तो बस उस वक्त का इंतजार जब मेरा बच्चा मेरी गोद में होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। बेटा मैं तुमसे यही कहना चाह रही हूँ कि इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो। यही वक्त है जहाँ तुम अपनी हर बात मनवा सकती हो और अपनी जगह भी बना सकती हो। ठीक है अम्मी, मैं समझ गई हूँ आप क्या कह रही हैं,
और वही होगा जो आप चाहते हैं। क्यों